अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुदुस। मैं अपने चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की एक और वीडियो लेकर आया हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं बात करूंगा। स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है उसको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। केपीके के स्टूडेंट्स जो कि इस साल काफ़ी डेंजर हालात से दो चार हुए, काफ़ी उनके साथ गेमें खेली गई, काफ़ी उनके फ्यूचर के साथ खेला गया, काफ़ी उनके जज्बात को हर्ट किया गया, उस पर मैं बात करूंगा। इसके अलावा एक और मुसीबत आ गई है कि अभी ईटा के बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पे केपीके के अलावा बाकी प्रोविंसेस हैं उनको ओपन मेरिट पे एडमिशन्स दिए जा रहे हैं, जो कि कुल्लम कुल्ला स्टूडेंट्स के मुताबिक राइट्स की खिलाफ वर्जी है। केपीके के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें उनका कहना ये है कि जस्ट केपीके के मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको एडमिशन देना चाहिए, ना कि और प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स को। तो आज इस पे बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू है हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप की वीडियोज़ बनाई, वो भी देख ली। इसके अलावा आगे भी मैं बनाऊँगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अच्छा जी, तो आज बात करेंगे, अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है। जो राइट्स हैं जो कि एक नुकात किस्म के होते हैं, उसमें ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप लोग इस पे ओपन मेरिट पे केपीके के मेडिकल प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उन पे आप एडमिशन दें बाकी प्रोविंसेस के लोगों को। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कुछ स्टूडेंट्स जिनके मैं खिलाफ हूँ कि वो डायरेक्ट आ जाते हैं कि चलो कोई अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था उसमें किसी ने पोस्ट किया था कि चलो इस बार जब प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे तो पेट्रोल लेके जाएंगे। यार ये किस्म की बात हुई यार, यू आर एजुकेटेड यार, उनके सामने ऐसा प्रोटेस्ट करो कि आप लोगों का लगे कि हाँ आप लोग राइट हो, और इस किस्म के लगो कि औरों को पता लगे कि हाँ ये कोई एजुकेटेड लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा मेन जो इधर चीज़ आती है कि अभी इसको किस तरह रोका जाए, इसको इसी तरह रोका जा सकता है कि आप अगर अपनी आवाज़ पहुँचाए हायर अथॉरिटीज़ तक, जिस तरह भी हो, मैं भी आप स्टूडेंट में से कोई इस तरह हो कि जिनके रिलेटिव्स हों और बाकी हायर पोस्ट्स पे, तो वो उनसे कहे कि इजीली अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आई विल नॉट से कि आप लोग प्रोटेस्ट करें, आप लोग सोशल मीडिया को यूज़ करके इसके अलावा अच्छे अच्छे पोस्टर की, ये नहीं है कि ये आग लगाओ तोड़ फोड़ करो ये वो ये कोई बात ना हुई। तो इस तरह एक अमन प्रोटेस्ट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो एक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, तो उसमें सोशल मीडिया का पावर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अगर सोशल मीडिया पावर को यूज़ भी करें तो प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उधर से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ की हायर अथॉरिटीज़ को आप लोगों की बात पहुँचनी चाहिए। लेकिन अभी देखना पड़ेगा क्या होगा, क्या वाकई उनको बाकी जो प्रोविंसेस है उनके स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कोई भी कदम नहीं उठा जाएगा या कोई एक्शन लेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने रहना है हमारे चैनल के साथ। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को आगे के लेटेस्ट अपडेट मैं दूंगा इंशाल्लाह, जब आएंगे मुझे पता लगे इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड अपलोड इट। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है जिसपे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।